Hello guys, this is NK Rao from Genius Studies channel. Don't mug up, try to build rational and logical study. तो इस सेक्शन में करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपको करंट अफेयर जो ALP ग्रुप डी और हरियाणा और UP का जो भी एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर का पोर्शन ऐसे तो बहुत ही कम है, आपको भी पता है कि 10 नंबर के आने वाला है तो इसमें ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन इसीलिए कम मेहनत करने के लिए ये जरूरी है कि जो क्वेश्चन केवल ट्रेंड में है उसी क्वेश्चन को याद किया जाए। अगर आप डेली बाय डेली बेसिस पे भी पढ़ रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है जी, आप मैं डेली बाय डेली दे रहा हूँ उसमें केवल वही क्वेश्चन है जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी से मैंने बताया है जो मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में एनालिसिस किया है। तो ज़्यादा इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाता हूँ, शॉर्ट बनाता हूँ और उसको कंटिन्यू कीजिए आप लोगों को। और अब मुझे आशा है कि 10 में से आप 6 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं इस सेट के हिसाब से। तो चलिए, आज अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन क्लिक कर दें जिससे आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी मैं वीडियो प्रीमियम करूँगा। अगर मैं प्रीमियम करता हूँ तो सेट रिमाइंडर क्या करें जी, जो रिमाइंडर सेट है उसको ऑन कर दें ताकि आपको फिर से नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो क्या हो जी, प्रीमियम हो। तो चलिए बात करते हैं काला मूवी का डायरेक्टर कौन है जी, तो पी रंजीत है जी। कौन है जी? पी रंजीत है। साइंस डे कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन बैंक के CEO कौन है ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ग्रैमी अवार्ड 2018 कहाँ होता है जी? तो ग्रैमी अवार्ड USA में होता है। और ग्रैमी अवार्ड किस में होता है जी? तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है आपको। आसाम के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी है जी। यंगेस्ट CM ऑफ इंडिया कौन है जी? तो पेमा खंडू है। कौन है जी? पेमा खंडू है। तो आप जान सकते हैं कि यंगेस्ट CM कौन है जी? पेमा खंडू है। गरुण शक्ति किसके बीच होता है? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। महिला क्रिकेट में मैक्सिमम रन बनाने वाली कौन है जी? तो मिताली राज है। बिगेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान कौन है? जयपुर है। GST इम्प्लीमेंटेड, GST कब लागू किया गया था जी? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है जी? तो रॉकेट मैन किसको कहा जाता है? इंडिया का, भारत का रॉकेट मैन किसको कहा जाता है? KC1 को। KC1 क्या है जी? तो आपको इसरो का क्या है जी, हेड है। ये भी एक किसान के बेटे हैं और इन्होंने बहुत स्ट्रगल करके इस पोजीशन पहुंचा है, इनका बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जी। KC1 के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें स्टडी करने के लिए, ऐसे ही जैसे अब्दुल कलाम है, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश को बहुत डेवलपमेंट करते हैं, इनके बारे में आप भी जानकारी लीजिए। चलिए, 2017 नेशनल बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला जी? 2016 में जो नेशनल बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है बाहुबली को मिला है। विजन 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है जी? तो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। विजन 2025 किसके द्वारा किया गया है जी? तो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई का डेथ कितने की एज में हो गया था जी? तो 29 की उम्र में क्या हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का डेथ हो गया था। कितने में? 29, यानी 29 वर्ष की एज में क्या हुआ था जी? उनका डेथ हो गया था। तो इस तरह देख सकते हैं कि क्या थी, बहुत ही कम उम्र था। और उनका डेथ कब हुआ था? तो 18 जून 1858 को। खाद्य, एक्चुअली इसमें पता नहीं है कि डेट का एज पूछा था या डेट पूछा था, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन है जी? तो रामविलास पासवान भी क्या है जी? खाद्य आपूर्ति मंत्री है, यानी PDS मिनिस्टर है जी, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्या है जी, मिनिस्टर है। मेट्रो सिटी में तैरता हुआ बाजार कहाँ बना है? तो कोलकाता में बना है। मेट्रो सिटी जो है कोलकाता है, उसमें क्या है जी, तैरता हुआ बाजार बना है। विदेश मंत्री कौन है जी? तो विदेश मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो सुषमा स्वराज है जी। 2000 के नोट पे मंगलयान को है, 2000 का जो आप नोट देखिएगा उस पर मंगलयान है। तो मंगलयान क्या शो करता है जी? तो भारत का स्पेस में क्या है जी, अचीवमेंट को शो करता है। अचीवमेंट को यानी जो भी प्राप्त किया है उसको क्या करता है, दर्शाता है जी। UP का पिन कोड पूछा जी, ये क्वेश्चन थोड़े अनएक्सपेक्टेड है लेकिन फिर भी क्या है जी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो याद कर लीजिए। UP का पिन कोड क्या है जी? 27 है, लेकिन सारे स्टेट का याद मत कीजिएगा, मैं आपको वारंट कर रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन देखिए कितना है, क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में फालतू क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे। DMK AIDMK रूलिंग स्टेट बोल रहा है कि DMK और AIDMK किस स्टेट से पार्टी है जी, किस स्टेट की पार्टी है सब, तो किस स्टेट की पार्टी है जी? तो ये तमिलनाडु की पार्टी है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो राजवर्धन सिंह राठौर है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि कोई स्पोर्ट्समैन भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना जी। तो मैं बता देना चाहूँगा राजवर्धन सिंह राठौर क्या है जी, स्पोर्ट्समैन है और खुद ही स्पोर्ट्स के क्या बने हैं जी, तो मिनिस्टर भी बने हैं। तो इसलिए देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी हम लोग के लिए क्या है जी, बहुत अच्छी
न्यूज है, क्योंकि वो सब जानते हैं। अभिनव बिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है जी, तो आप समझ सकते हैं जो स्पोर्ट्स मैन आएगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहेगा, तो उसको सारी पता है जी क्या कमी है क्या नहीं है कमी है, तो उसमें ज़्यादा ये हम क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। तेलंगाना के सीएम कौन है जी, तो के चंद्रशेखर राव है। कौन है जी, के चंद्रशेखर राव ने। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है जी, तो ब्रूनो आयरिस में है। अभी अर्जेंटीना में आपको G20 का सम्मेलन हुआ है, उसमें कहाँ हुआ है, तो ब्रूनो आयरिस में हुआ जी। तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है थी, पीसो है। म्यांमार का कैपिटल क्या है, क्याम प्याऊ है, सॉरी न्याओ पी दाऊ है जी, न्याय पी दाऊ है। उसका करेंसी का नाम क्या है जी, तो म्यांमारी क्यात है जी। क्या है जी, म्यांमारी क्यात है। सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है जी, सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है कौन है जी, तो ये आपको सबसे कम उम्र की महिला जो है चढ़ी है वो मालावत पूर्णा है। कौन है जी, मालावत पूर्णा है। 2017 का न्यूज चैनल का बेस्ट अवार्ड मिला है जी। देखिए 2017 का आपको बताना है कि न्यूज कौन सा ऐसा न्यूज चैनल है जिसको बेस्ट चैनल का अवार्ड मिला है जी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम समझ सके कि कितने लोग देख रहे हैं जी। 2017 का बेस्ट न्यूज चैनल का अवार्ड किसको मिला है बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। विक्टोरिया हॉल कहाँ है जी, तो विक्टोरिया हॉल आपको कहाँ है, कोलकाता में है जी। शांति सूचक इंडेक्स में, शांति सूचक यानी पीसफुल इंडेक्स में इंडिया का स्थान कितना है जी, तो 136 है जी। कितना है जी, 136 है। देखिए मैं बता दूँ, ये जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन है, इंडिया इंडेक्स रैंक, मैंने करेंट अफेयर का जो भी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सारे जो इंडिया से रिलेटेड इंडेक्स हैं उसको मैंने उसमें एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, एक जगह पूरा इंडेक्स वाले क्वेश्चन मिल जाएगा। और मैं बताऊँगा कि जो अपडेट नहीं है वो पुराना वीडियो भी हो सकता है, तो आप करेंट में जो अपडेट हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको दिसंबर में, तो इसके बाद से जो भी अपडेट होगा आप उसको क्या कीजिएगा जी, अपडेट कर लीजिएगा। ये 6 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद जो भी अपडेट होगा उसको आप कीजिए, अपने से अपडेट कर लीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि मैं 6 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूँ। 2000 रुपये का मंगलयान क्या दर्शाता है जी, 6 दिसंबर 2018 को वीडियो बना रहा हूँ। 2000 रुपये का मंगलयान क्या दर्शाता है, तो भारत का स्पेस में क्या करता है जी, अचीवमेंट को दर्शाता है। निकी एशिया प्राइस 2018 का विनर कौन है जी, तो डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक है। पृथ्वी अपनी यक्ष और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना का एंगल बनाती है जी, तो 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी 23.5 डिग्री से क्या है जी, झुकी हुई है। सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है, सुंदरबन डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है और बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर ज़्यादा कहाँ कहाँ रहते हैं जी, सुंदरबन में रहते हैं, इसलिए क्या है जी, उसके लिए फेमस है। अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या था, तो एग्जैक्ट लड़कों ने बता नहीं पाया था इसलिए मैंने दोनों बता दिए जी। ल्यूमिनस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ल्यूमिनस जो कंपनी है जी आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। ल्यूमिनस का प्रचार करते हैं जी सचिन तेंदुलकर। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, यानी अब हम लोगों के लिए जो अगर मूवी देख रहे हैं तो उस मूवी के बीच अगर ब्रेक आ रहा है, जो ब्रेक आ रहा है यानी जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम लोग का ज़्यादा बेनिफिट होगा जी, ना कि मूवी देखने से। इससे समझ सकते हैं कि आप ऐड देखते ल्यूमिनस का तो सचिन तेंदुलकर मार सकते थे। बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर की भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप जाकर उनको देख लीजिएगा और आप उसको याद कर लीजिएगा जी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। ई सिगरेट बैन किस स्टेट ने किया है, तो ई सिगरेट बैन जो किया है अभी बिहार सबसे अभी हाल में किया है, इससे पहले कर्नाटक, केरला, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र वगैरह भी किए हैं जी, अब तो बहुत सारे कर लिए हैं, लेकिन पहला कौन किया है, तो बिहार ने किया। ओटावा मस्जिद कहाँ है जी, तो ओटावा मस्जिद आपको कनाडा में है। ओटावा कहाँ है जी, तो कनाडा में है। एक है इटावा अगर मस्जिद आया होगा, इटावा मस्जिद तो आपको यूपी में होगा, याद रखिएगा। एक्चुअली लड़के सब मुझे नहीं लगता कि ओटावा मस्जिद पूछा होगा, इटावा ही मस्जिद पूछा होगा जो कि यूपी में है। अगर लेकिन ओटावा मस्जिद पूछा होगा तो कहाँ होगा जी, कनाडा में होगा, ठीक है ना। कनाडा का राजधानी कहाँ है, कनाडा का शहर कौन सा है, ओटावा है जी। सेबी परमानेंट मेंबर, एक सेबी से क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूरा नहीं बताया, ठीक है जी। श्री अनंता बरुआ, अब उसमें देखिए सेबी के परमानेंट मेंबर बहुत सारे हैं जी, अब उसमें से ऑप्शन कौन था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन चलिए चारों ऑप्शन बता देता हूँ। श्री अनंत बरुआ थे, श्री जी महालिंगम हैं, एमएस माधवाबी पूरी बुच्च हैं, और श्री एसके महांतनी है जी, श्री एसके महांतनी। देख फिर से नाम से याद कर लीजिए, श्री अनंता बुरुच, श्री जी महालिंगम, एमएस माधवाबी पूरी बुच्च और श्री एसके महांतनी हैं। चलिए जी,
आईसीसी नंबर टू वीमेन बैट्समैन ऑफ इंडिया कौन है जी? तो अभी कौन है? मिताली राज उस समय थी जी। अब मिताली राज का पोजीशन क्या हो गया? तीन हो गया जी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये मैं दिसंबर 6 दिसंबर 2018 को वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद जो भी अपडेट होगा आप अपडेट कर लीजिएगा। ऑपरेशन मदद कहाँ स्टार्ट किया गया था? ऑपरेशन मदद आपको केरला में स्टार्ट किया गया, ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। जो है आपको फ्लड आया था उसको क्या किया गया था, उससे झेलने के लिए आपको क्या किया गया था जी? ऑपरेशन मदद स्टार्ट किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे लिए जो जरूरी है उसको क्या कीजिए जी, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था ऑपरेशन मदद। संतोष ट्रॉफी 2018 का किसने अवार्ड जीता? संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी 2018 का अवार्ड केरला ने जीता है। किसने जीता है? केरला ने जीता है। बंगाल गजट्स, बंगाल गजट्स किसके द्वारा, ये बंगाल गजट एक न्यूज़पेपर है, किसके द्वारा दिया गया था जी? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की क्या है जी, इसके संस्थापक से। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलसीडी का डिस्प्ले क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का क्या होता है जी? लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है जी। प्लाज्मा भी एक आपको डिस्प्ले आता है, याद रखिएगा। इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर हु टेक्स 200 विकेट, वुमेन्स इंडियन क्रिकेटर में किस कौन है जो 2000 विकेट ली है? तो झूलन गोस्वामी है जी, सॉरी 200 विकेट ली है, कौन है जी? झूलन गोस्वामी है। सन टीवी चैनल के इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया? तो सन टीवी के चैनल के इस्टेब्लिश काला निधि मारन द्वारा किया गया। ये आप बताएंगे मुझे 21 आईपीएल टीम के ओनर हैं जी, किस आईपीएल टीम के ओनर है काला निधि मारन, जो सन टीवी चैनल के ओनर है जी? तो आप इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आईफा अवार्ड 2017 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? आईफा 2017 का शाहिद कपूर को मिला है आपको एक्टर में, और एक्ट्रेस में किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है, उड़ता पंजाब के लिए मिला था जी। मंगोलिया का कैपिटल उलन बटोर है, मंगोलिया का कैपिटल क्या है जी? उलन बटोर है। आपको मंगोलिया कहाँ पे पड़ता है जी? तो रसिया और चाइना के बीच में पड़ता है, कौन? मंगोलिया पड़ता है जी। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। मिजोरम के गवर्नर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी। मिजोरम के गवर्नर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी। साथी योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। 2017 बेस्ट सिंगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है जी? 2000 ब्रूनो मार्स को मिला है 2017 बेस्ट सिंगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तमिलनाडु सीएम, तमिलनाडु के सीएम कौन है जी? तो आपको एक पलन्ना स्वामी है, इक्के पलन्ना स्वामी है जी। इनका पूरा नाम आप लोग मत याद रखिएगा, इक्के पलन्ना स्वामी याद रखिए, ऐसे तो एक नाम ऐसे ही टेढ़ा है, तो इसको अगर पूरा याद करिएगा तो आपको डाउट हो सकती है जी, ठीक है ना। इक्के पलन्ना स्वामी है जी, कौन है? इक्के पलन्ना स्वामी है। 100 ODI वीमेंस इंडियन वीमेंस द्वारा खेला गया, यानी कौन ऐसी वीमेंस क्रिकेटर है जिसने 100 ODI खेला है जी? तो कौन है? मिताली राज है और अर्जुन चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा भी है, अंजुम चोपड़ा, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। हाफ गर्लफ्रेंड जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत द्वारा लिखा गया। मैं बता देना चाहूँगा कि एक बुक एंड ऑथर का भी मैंने क्या किया वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सब वीडियो देख लीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें जी, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें जी। चलिए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है जी? 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है जी? 28 फरवरी को मनाया जाता है। गोल्ड 2017 वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, वेट 2017 वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप वुमेन्स में गोल्ड किसने जीता है जी? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। 2017 का बैडमिंटन लीग, 2017 का बैडमिंटन लीग किसने जीता है जी? तो चेन्नई स्मैशर्स ने जीता है। 2017 बैडमिंटन लीग किसने जीता है? तो चेन्नई स्मैशर्स ने जीता है। रामचरित्र मानस के लेखक कौन है जी? तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। बात की जाए तो गीता के उपदेश, गीता किसने लिखा है जी? तो वेद व्यास लिखा है। महाभारत भी पूछ सकता है किसने लिखा है जी? तो वेद व्यास लिखा है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, और रामचरितमानस और एक है वाल्मीकि भी लिखे हैं, जिसको बोलते हैं लोग रामायण, ठीक है जी। पलाहा परमाणु जो परीक्षण केंद्र है वो कहाँ है जी? तो पोखरण में है, ठीक है जी। 2017 एशिया कप का विनर कौन है? 2017 एशिया कप का विनर कौन है जी? तो इंडिया है, इंडिया एग्रीकल्चर मिनिस्टर
इंडिया एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है जी? इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? यानी कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह कहाँ से है जी? तो आपको इस चम राधा मोहन सिंह कौन है जी? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री है। स्त्री मूवी रिलेटेड है, स्त्री मूवी किससे है जी? तो भूत, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है लेकिन जनरली पूछा गया था स्त्री मूवी किससे रिलेटेड, तो भूत प्रेत से मूवी रिलेटेड था जी, ठीक है ना। यूके के गवर्नर कौन है यानी उत्तराखंड का, पूछ लो जी, बेबी रानी मौर्य है। कौन है जी? बेबी रानी मौर्य। 2016 का इंग्लैंड इकोनॉमी अवार्ड किसको मिला है जी? 2016 इंग्लैंड इकोनॉमिक अवार्ड किसको मिला है? तो रतन टाटा को मिला है। हैकथॉन किसने शुरू किया है जी? हैकथॉन किसने शुरू किया है? तो बात कीजिए हैकथॉन जो है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इस बात को याद रखिएगा, नीति आयोग के बारे में रिविजन कर लेते हैं जी। नीति आयोग के फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के परमानेंट माने अध्यक्ष कौन है जी? तो प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री होते हैं यानी जो भी उस समय प्रधानमंत्री रहेगा वही हो जाएगा, तभी प्रधानमंत्री कौन है जी? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है जी? तो राजीव कुमार है। उसके सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है। इसके फर्स्ट सीईओ कौन है थे जी? तो अरविंद पंगरिया थे। अब ऐसा भी पूछता है कि नीति आयोग में आई का मीनिंग क्या है जी? तो क्या है जी? अब इंडियन भी हो सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्म इंडिया इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन देख के मानना पड़ेगा। तो नीति आयोग से इतना क्वेश्चन बनता है जी। नीति आयोग को कब लागू किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। इस सब क्वेश्चन जो है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन याद रखिएगा, इस सारे के सारे क्वेश्चन नीति आयोग से। नीति आयोग के डायरेक्टर कौन है जी? तो दिनेश अरोड़ा है। कौन है जी? दिनेश अरोड़ा है। याद रखिएगा नीति आयोग के डायरेक्टर का भी नाम पूछा गया है, और बहुत सारे लड़कों ने ये जवाब जनरली नहीं अटेम्प्ट किया है जी। 2017 आईफा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसका मिला है? 2017 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। फिक्की, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है जी? ये आया था तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो फिक्की है आपको फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, और ये क्या होती है, बहुत सारे कंपनियों का क्या होता है जी, एक चैम्बर होता है और वो ये डिसाइड करते हैं कैसे गवर्न करना है वो इकोनॉमिक वगैरह। तो ये फिक्की का क्या फुल फॉर्म है जी? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वेस्ट बंगाल का पड़ोसी स्टेट नहीं है, ऐसा पूछा था कि वेस्ट बंगाल का कौन सा पड़ोसी स्टेट नहीं है, तो वेस्ट बंगाल का पड़ोसी स्टेट जान लीजिए, पड़ोसी स्टेट कौन है? बिहार है, झारखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है। तो ऐसे अब जो इसको छोड़ के होगा उसको आप ऑप्शन ले सकते हैं जी। चलिए आगे बात करते हैं, तो उसमें ऑप्शन था मेघालय, तो मेघालय क्या है जी? नहीं है, ठीक है ना। गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपानी। कौन है जी? गुजरात के सीएम तो विजय रूपानी है। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। कौन सा जी? फ्रांस का कैपिटल क्या है जी? पेरिस है। अमृत सेन किससे रिलेटेड है? तो अमृत सेन क्या है जी? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अमृत सेन जो है आपको, इनको भी नोबेल अवार्ड मिला है, किसमें? इकोनॉमिक्स में मिला है जी, ठीक है ना जी। ये इंडिया के रहने वाले हैं, इंडियन अमेरिकन इनका सिटीजनशिप है। इनकी बेटी अभी फिल्म भी बनाई थी एक, और इनको अमृत सेन को आपको जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका आपको वाइस चांसलर बनने का भी इंडिया गवर्नमेंट का प्रपोजल था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था जी, क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था जी। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2017 किसको मिला है? तो मनोज कुमार को मिला है। हेलिना मिसाइल, हेलिना मिसाइल कौन सा मिसाइल है जी? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हेलिना मिसाइल कौन सा जी? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो देखिए ब्लास्टिक मिसाइल होता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है, तो ये सब जो मिसाइल के टाइप होते हैं, तो इस मिसाइल के टाइप को पूछा गया। हेलिना मिसाइल किससे है जी? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कौन है जी? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 2016 का वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप विनर कौन है जी? तो 2016 का वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप कौन है? पंकज अडवाणी। देखिए पंकज अडवाणी बहुत ही कौन है जी, बिलियर्ड्स के चैंपियंस भी हैं, और ये फास्ट क्या है जी, स्नूकर। देखिए बिलियर्ड्स भी पूछा सकता है, स्नूकर भी बोला जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बिलियर्ड्स भी हो जाए। और चलिए कौन से मंत्री पहले पुजारी थे? कौन से मंत्री पहले पुजारी थे? तो नाम से पता चला गया, योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में नहीं पूछा था कि कौन से पुजारी थे, उनके बारे में पूछा था कि इनका पूरा नाम क्या है। तो अजय सिंह बिष्ट है। क्या नाम है जी? अजय सिंह बिष्ट है। देखिए थोड़ा सा देखिए, आजकल जो गवर्नर थी सीएम के अलावा उप मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप यूपी के
मुख्यमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी, यूपी के मुख्यमंत्री का कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे। ऐसे भी बिहार का भी उप मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था, तो बिहार के भी उप मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं जो कमेंट बॉक्स में देता हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप गूगल से भी सर्च करके क्या कीजिए, टाइप कीजिए जी, जिससे क्या हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, याद होगा। पेटीएम के सीईओ कौन है जी, तो विजय शेखर शर्मा है। कौन है ये? विजय शेखर शर्मा। गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी, तो अमिताभ बच्चन है। गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर देखिए अमिताभ बच्चन है, क्योंकि अभी जो ये थी हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ स्टेट वालों को भगाया जा रहा था गुजरात में, तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन पे बहुत सारे ब्लेम लगे थे, क्या चीज़ वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर है, तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन है। और गुजरात के टूरिस्ट के भी कौन है ब्रांड एम्बेसडर, तो अमिताभ बच्चन है। गिर जो नेशनल पार्क है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी, तो अमिताभ बच्चन है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, देखिए ऐड जो है उस पर ध्यान कीजिए कौन ऐड कर रहा है जी। अभी हाल ही में आपको अक्षय कुमार जो ट्रैफिक वाला जो उनका ऐड आता है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो क्या है जी ट्रैफिक सिग्नल के भी एडवर्टाइजमेंट है। तो देखिए वही है कि किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, उनके कैरेक्टर से भी ज़्यादातर बनाया जाता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईआर रहमान किस स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी। ईआर रहमान किस स्टेट के क्रम किस स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और अक्षय कुमार किस स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा जी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको आसान वाले क्वेश्चन बोल देता हूँ, आपको क्या करना है सर्च करके, या आपको नहीं आ रहा है तो सर्च कीजिए, जिससे आपको क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगा जी।